वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। बेशक ममता बनर्जी सत्ता के सिंहासन पर बैठ चुकी हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल गई, पर अब भी दीदी की दीदीगिरी जारी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच तनातनी एक बार फिर से सबके सामने आई। 31 जनवरी 2022 को एक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ट्विटर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया गया, तो ममता ने इसका ठीकरा भी राज्यपाल के पर फोड़ डाला। उन्होंने कहा कि वो हर सुबह शाम हम पर आरोप लगाते और हमला करते हुए ट्वीट करते हैं, मानो वही सर्वोच्च हैं और हम बंधुआ मजदूर हैं। मैं ये सब और नहीं झेल सकती, मैंने आज उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ममता सवालों से परेशान हो गई या सच उनसे सुना नहीं जा रहा जो राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया गया। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस के सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार को कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्यपाल धनखड़ को राज्य से हटाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि जब अनुरोध किया गया था तब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ महीनों में कई मुद्दों पर राज्यपाल और राज्य सरकार आमने सामने आ गई, खासकर राज्य चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद। रविवार को महात्मा गांधी की उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए राज्यपाल ने कहा था कि उन पर लक्षित अपमान उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि हिंसा और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। आपको बता दें कि राज्यपाल इससे पहले भी ममता पर कई बार हमलावर हो चुके हैं। याद हो जब वो धरातल पर उतरकर पीड़ितों से मिलने गए थे तब भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उस समय भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।